हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ अनिल बाबू। तो फिलहाल बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तभी टू स्ट्रोक गाड़ी का जो वाइपर मोटर है उसे रिपेयर करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, फोर स्ट्रोक का भी मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, तो फिलहाल ये शॉर्टकट है और फटाफट देखें और लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। और अभी वाइपर मोटर है, ये माइनस है, ब्लैक कलर की वायर रहती है और ये प्लस। तो फिलहाल मेरे पास वाइट है, रेड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्लस वाली वायर लगानी। तो फिलहाल इसका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं ये अच्छा है या ख़राब है मोटर। तो फिलहाल ये साउंड तो कर रहा है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो फटाफट इसे खोल लेते हैं और आगे वीडियो जारी रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बहुत से ऑटो ड्राइवर टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक आपके पास मोटर वाइपर होता है, जब भी आप बारिश होती है तभी इसमें जो प्रॉब्लम होती है और खुलती है, तो आपके पास दो स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए। फिलहाल तो मैं यहाँ आपको खोलने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ जितने भी नट है, तो ये फिलहाल अर्थिंग का नट है और बाकी ये तीन नट खोलना है आपको। तो ये भी प्लस वाली ध्यान रखना इधर फाइबर का जो, तो यहाँ से भी आपको छोटा वाला स्क्रूड्राइवर रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत से ऑटो ड्राइवर क्या करते हैं, आपकी गलती क्या, आप टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, जो भी आपके पास ऑटो होता है, आपके पास जो मोटर वाइपर मोटर होती है, उसके ब्लेड बाकी चीज़ें होती है, तो यहाँ आप मेंटेनेंस नहीं रखते, क्योंकि साल भर तो बारिश नहीं रहती, चार ही महीने बारिश चलती है, तो तभी आपको याद आती है मोटर वर्क नहीं कर रहा है या ख़राब हो चुकी है, तो ये चीज़ आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ जैसे आप टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक ऑटो चलाते हैं, उसमें स्टार्टर बाकी चीज़ें होती है, यही ये भी है। तो दोस्तों, यहाँ होता क्या है दोस्तों, पहले इसे खोल लेते हैं इसको, ये तीन स्क्रू है, उसकी पैकिंग उसे संभाल कर रखना है। तो दोस्तों, यहाँ मेंटेनेंस करते रहना है, कभी भी इसको एक साल में एक बार तो भी खोल लेना है, उसे ग्रीसिंग करनी है, उसमें जो कार्बन आता है आर्मेचर पे वो भी देख लेना है, या उसका ब्रश टूटा वो भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कभी कभार जो वायरमैन होते हैं या फिटर होते हैं, बहुत सारा पैसा आपसे ले लेते हैं जो आपको पता नहीं होता है। तो फिलहाल अभी ये आर्मेचर और मैग्नेट निकाल लेते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कभी कभार कोई जो कमेंट भी करता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाना जरूरी होता है। तो फिलहाल मैग्नेट भी इसको क्लीन आप पेट्रोल डीजल दोनों से धो सकते हैं, पर मैं पेट्रोल से ही धोता क्योंकि जल्दी सूख जाता है अभी बारिश के दिन ही। तो फिलहाल ये ऐसे ही पड़ा हुआ था मेरे पास, तो अभी इसे खोल के चेक करना चाहिए था क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो फिलहाल ये ऊपर वाले तीन नट भी खुले, उसमें गियर होते हैं छोटे मोटे। तो फिलहाल ये आपके पास छोटा स्क्रूड्राइवर या बड़ा इसको दोनों रखना चाहिए और उसे ऐसे इस तरह खोल लेना है। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, आपके नट होते हैं वो संभाल के रखना है, ना खो जाए कोई, तो जब खो जाते तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तब ये चीज़ वीडियो शूटिंग के द्वारा भी आप देख सकते हैं, एडिटिंग तो टाइम लगता है दोस्तों, पर दोस्तों आप दोस्तों में शेयर नहीं करते। तो दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं होता है। अब इसको चेक ख़राब हो तो भी हम बता देते हैं, प्रॉब्लम हो तो भी बता देते हैं। तो आपका जो मोटर वाइपर की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आज का वीडियो है। तो दोस्तों, ये इसका ऊपर भी एक सील होता है रबर का, तो ये शाफ्ट है, यहाँ ऊपर ब्लेड लगता है वाइपर का, अभी अंदर गियर है छोटे बड़े। तो फिलहाल ये तो मैं खोलूँगा नहीं, पहले इसको क्लीन करूँगा क्योंकि ये अच्छे दिख रहे कंडीशन में है। तो दोस्तों, कोई टूटा फूटा हो तो इसे ज़रूर यहाँ से लॉक ये निकाल सकते हैं आप, बाकी कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, फाइबर के और नट स्क्रू होते हैं। तो फिलहाल इसे अच्छे से क्लीन कर लेते दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह खोलने का आप देख सकते हैं, स्क्रू आर्मेचर मैग्नेट और उसका सील होता है। तो दोस्तों, ऑटो सेकंड में आए हो तो लाइक करता बनता है और आपको कमेंट और शेयर भी करना और बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी इसे क्लीन करते हैं, इसमें धूल मिट्टी बहुत सारी, तो आप अभी मेरे पास तो पेट्रोल है, नीचे आप कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा कार्बन है, लोहे के कन भी होते हैं, तो इसे शॉर्ट हो जाता है, इससे अच्छा आप इसको पेट्रोल से अच्छे से साफ कर लेना, क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आगे चल के और भी उस डिटेल में कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें जो मेंटेन करना चाहिए, आप ऑटो ड्राइवर भाई, ये अचानक बारिश आए तब आप वाइपर ब्लेड यूज़ करना चाहते हैं, वाइपर बटन दबाते हैं तो ये चल नहीं पाता है, तो इसी वजह से आप पहले से मेंटेन रखने के लिए इस तरह खोल के वीडियो देख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल भरा काम नहीं दोस्तों। तभी पेट्रोल इसमें और आपके पास टूथब्रश जो भी हो इससे क्लीन कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास ये ब्रश है, इसे मैं क्लीन करने वाला हूँ। तो यहाँ एक बार पेट्रोल डाल के अच्छे से क्लीन करना, फिर दो बार पेट्रोल डालना, फिर उसे साफ सूखा कपड़े से पोंछ लेना है दोस्तों। तो ये गियर है दोस्तों आगे के, ये भी देख सकते हैं दोस्तों आप, तो इसकी कंडीशन फिलहाल अच्छी है, कि आगे कार्बन ब्रश है, तो फिलहाल उसके अंदर स्प्रिंग होती है, वो तो मैं निकालूँ क्योंकि वो ब्रश अच्छे है, इसलिए निकल नहीं रहा, तो वो भी आपको दिखा देता। तो अपने साइन पेपर पॉलिश पेपर जो भी आप कहते हैं इसे अच्छे से रगड़ के क्लीन करना, जैसे चकाचक दिखने मांगता है, उसके ऊपर जो कार्बन होता है सब निकलने चाहिए, जिससे आपका जो आर्मेचर अच्छे से घूम नहीं पाता है मैग्नेट के अंदर। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बीच से जो पट्टी दिख रही ब्लैक कलर की, इसे भी क्लीन करना है, क्योंकि जब आप आर्मेचर घूमता है उसके अंदर कोई लोहे के कण हो जाए तो शॉर्ट हो जाता है, आर्मेचर जल जाता है, उसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है, उसके पहले आपको इसको क्लीन कर लेता है। उसका भी तरीका आपको दिखा देता हूँ, जैसे तो मैंने पहले भी मैं सेल्फ स्टार्टर है जो आपका ऑटो रिक्शा का टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक जो भी है, तो उसमें भी आपको दिखाई इस तरह काम करना है, क्योंकि दोस्तों हम जब भी काम करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत से आधे अधूरे वीडियो रहते हैं, काम करके छोड़ देते, पर ये ध्यान देना उसके अंदर
जो लोहे के कन की वजह से होता क्या दोस्तों, आर्मीचर शॉर्ट हो जाता है, फिर आपको बोलते हैं आर्मीचर चेंज करना पड़ेगा या फिर पूरा जो मोटर वो भी चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों फिलहाल ये समझ चुके होंगे ये क्या आर्मीचर क्यों साफ करना पड़ता है। तो ये इसमें जो कार्बन ब्रश लगता है उसमें मैग्नेट करंट 12 वोल्ट का सप्लाई होने के बाद मैग्नेट के थ्रू घूमता है। अभी शाफ्ट देखो थोड़ा ख़राब है, तो भी ट्राई करके देखते हैं ये घूमता है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है इसलिए मैंने देखा ही नहीं। पर अभी फिलहाल एक भाई ने कमेंट किया था, इसलिए अभी टू स्ट्रोक का जो वाइपर मोटर है ये कार्बन ब्रश है, अभी अच्छे है। इसकी जो जो ये थोड़ा घिस चुका है तो इस पर भी पॉलिश पेपर साइन पेपर से घस लेना है और नीचे ग्रीस लगाना है। तो फिलहाल अभी ग्रीस ये बटाटा ग्रीस है, ये 10-20 रुपये में आता है दोस्तों। तो आप स्पेयर पार्ट की दुकान से अवेलेबल तो आप लेके रखना है या फिर आप आपके पास जो भी ग्रीस है फिलहाल अच्छा ऐसे ही ग्रीस डालना है दोस्तों, क्योंकि इसका गियर बहुत सॉफ्ट होते हैं इंजन वाला ग्रीस जो लगाते बेरिंग बेरिंग को। तो अभी फिलहाल ग्रीस लगा दिया है, अभी शाफ्ट बिठाने का टाइम हो गया है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो कार्बन ब्रश है उसको पीछे खींच लेना है, फिर उसके ऊपर का शाफ्ट और ये पैकिंग। तो दोस्तों ये पैकिंग क्यों लगानी जरूरी है, क्योंकि बरसात के दिनों में इसमें पानी जाने के बाद आपका जो स्टार्टर खराब जल सकता है। तब इस तरह कार्बन ब्रश और ये अगरबत्ती की काड़ी दोस्तों, तो ये इसकी फिटिंग हो चुकी है दोस्तों। तो इसको इस तरह दो कार्बन ब्रश इसको अभी ऊपर मैग्नेट कवर बिठाते हैं दोस्तों। तो इसे इस एक हाथ से दबा के रखना दोस्तों, क्योंकि निकल जाएगा ऊपर खींच लेता है तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो ये मैग्नेट कवर फिट हो चुका है, और तो दोस्तों अभी ये मैग्नेट कवर फिट हो चुका है और आगे के 3 स्क्रू जो ऊपर से अच्छे से टाइट कर दे। तो दोस्तों एक बात कहनी थी आपको, अभी जो भी भाई लोग कमेंट करते हैं तो ये अभी मराठी में थे, ये बोलता है 2 स्ट्रोक का वाइपर मोटर 4 स्ट्रोक को फिट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दूँ 2 स्ट्रोक का जो ग्लास और 4 स्ट्रोक की ग्लास में बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ये शाफ्ट देख सकते हैं दोनों में, ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का शाफ्ट है तो ये फिट नहीं होगा। तो आप चाहो तो और भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगले टाइम। तो यहाँ ध्यान रखना ये अलग अलग है शाफ्ट और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ध्यान रखना मोटर वाइपर। तो यहाँ ग्रीस लग चुका है, बाकी ऊपर की फिटिंग आपको पता ही है, ये धीरे धीरे आराम से काम करना है दोस्तों, इसमें पानी ना जाए लीकेज ना वो बरसात के दिनों, इसलिए ये ऊपर का शाफ्ट या ब्लेड लगता है। तो ये ऊपर का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है, इसे भी आराम से फिट करना है और सही पोजीशन में बिठाना है। तो इसके जो ऊपर का हिस्सा 3 स्क्रू है वो भी अच्छे से लगा देना है। अभी फिलहाल ये ऊपर का हिस्सा बैठ चुका है, ये पीछे के 3 बोल्ट जो स्क्रू है और आगे के ये 3 बोल्ट, यहाँ भी ध्यान देना है, उसे अच्छे से स्क्रू से कस देना है जिससे अंदर पानी ना जाना चाहिए, धूल मिट्टी, उसके रबर की पैकिंग भी बराबर है कि नहीं वो भी चेक कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान में जो छोटी मोटी चीज़ें हम शेयर करते हैं दोस्तों में, तो दोस्तों मैं अनिल बागुल और ऑटो रिक्शा ज्ञान, ये आपके लिए कमेंट कर देना दोस्तों कुछ भी हो तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। तो फिलहाल अभी आगे का वीडियो जारी रखते हैं और इसकी टेस्ट भी लेनी है, अभी वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ऐसे आप वीडियो दोस्तों में शेयर करेंगे तो फटाफट जो मेरे वीडियो और आपका जो प्यार है ऐसे बनाए रखना है। तो ऑटो रिक्शा ज्ञान में ऐसे छोटे मोटे वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे वक्त मिलता है आपकी कमेंट आती है तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करता हूँ। दोस्तों यहाँ मेंटेनेंस के भी ध्यान रखना चाहिए अपना जो ऑटो है, अभी 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, BS6 हो, BS4 हो, BS3 हो, तो अभी फिटिंग हो चुकी है और बड़े स्कूटर हैवी स्कूटर से इसे भी टाइट कर देना जिससे अंदर पानी ना जाए। तो दोस्तों ये हो चुका है, फिलहाल उसमें वायर लगा देता हूँ, फिर उसके बाद टेस्ट लेते ये घूमता है या नहीं। तो आपको वीडियो तो समझ में आ ही चुका है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं होती, आर्मेचर ब्रश जो कार्बन ब्रश कहते हैं यही रहता है, पर खाली आपको खोलने में और फिटिंग करने में जो दिक्कत आती है इसलिए वीडियो बना दिया। तो फिलहाल अभी ये प्लस वाली वायर है वाइट वाली और ये ब्लैक अर्थिंग, ये बॉडी को वहाँ भी टच कर सकते हैं ऑटो के। तो फिलहाल मेरे पास बैटरी है अवेलेबल तो उस पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तब ये घूमता है या नहीं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं अनिल बागुल ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।